सुरेशिता दी, क्या बोलना चाहोगे बिग बॉस के बारे में? बिग बॉस के बारे में यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी जर्नी थी, सेकंड टाइम तो काफ़ी अच्छी थी, मिस कर रही हूँ बिग बॉस, और अभी तो गेम और ज़्यादा जम्पी हो रहा है। किसका गेम अभी आपको अच्छा लग रहा था? शिव ठाकरे या सब लोग बोले शिव? ऑब्वियसली शिव का पार्टिसिपेशन हमेशा बहुत अच्छा होता है, शिव बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता है हर टास्क में, हर चीज में। प्रियंका ऑब्वियसली मेरी फ्रेंड है, सो आई एम सपोर्टिंग एवरीथिंग फॉर हर, और शालिनी भी बहुत स्मार्ट खेल रहा है, सो आई थिंक ही शुड बी प्लेइंग बेटर। अरे वो निकल गया। अब्दू के साथ जर्नी कैसी थी आपकी? अब्दू के साथ बहुत अच्छी जर्नी थी, अब्दू इतना बढ़िया बनता है, बहुत ही अमेजिंग बनता है, बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है, तो ऑब्वियसली अब्दू के साथ बहुत मज़ा आया, और उसके साथ जब भी बात करो ना घर के अंदर, कभी भी आपको डिप्रेशन हो, आप थोड़ा दुखी हो, उसके साथ जैसे आप बात कर लेते हो तो आपका दिल बहुत खुश हो जाता है। सुरेशिता, आपका कुछ अपकमिंग में प्रोजेक्ट? अभी तो बस निकली हूँ, अभी तक अपकमिंग में ऐसा कुछ मैंने साइन नहीं किया है, बातचीत चल रही है, जैसे ही पता चलेगा तुरंत आपको मैं बताऊँगी। थैंक यू, थैंक यू। आप मेरी सर को कैसा लगा बिग बॉस? सर भी गए थे। Different than I expected actually, but it was nice. People were very nice to me, and I wish I could have stayed a bit more, but it was a great experience. And of course, I was happy to see. और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि माइकल फेल्प्स ने आ पाए, एक दिन हमारे साथ रह पाए, सारे कंटेस्टेंट्स के साथ बॉन्डिंग हुआ उसका, और it's really amazing. Thank you. कि बिग बॉस ने ये चांस दिया हर घर वालों को इस बार घर के अंदर आके कंटेस्टेंट्स के साथ एक दिन रहने का। थैंक यू, थैंक यू।